हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। तो देखिए, हम पढ़ेंगे अब एटॉमिक मास कि क्या होता है एटॉमिक मास, कैसे हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए एटॉमिक मास। देखिए, किसी भी एटम का जो मास होता है, यानी जो एटॉमिक मास होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि वो जो एटम है वो बहुत छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसका मास होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ा कि हमें रिलेटिव मेजरमेंट करने पड़े। हमें कोई एक एटम, कोई भी एक एटम एलिमेंट का, हमें उसको रेफरेंस मानना पड़ा और फिर उसको रेफरेंस लेके बाकी एटम के मास निकालने। देखिए, अभी तो फिलहाल जो 21st सेंचुरी चल रही है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है कि हम एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री निकाल सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं थी सुविधा कि हम एटॉमिक मास निकाल सके। तब हमने क्या किया, कुछ एटम्स लिए और फिर उनको रेफरेंस मानकर हमने क्या किया, बाकी जो एटम्स थे उनके एटॉमिक मास निकाले। और जबकि उस टाइम पे हम कोई यूनिट का भी यूज नहीं कर रहे थे, जैसे कि जब हमने फर्स्ट बार किसको रिलेटिव माना, किसको हमने स्टैंडर्ड माना, सबसे पहले किससे रिलेट किया, हाइड्रोजन से। सबसे पहले हमने किससे रिलेट किया, हाइड्रोजन से। क्यों रिलेट किया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है, आपको पता है हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। और ऑफकोर्स ये बात है, इसका बिल्कुल विदाउट किसी उसमें हमने क्या कर दिया, इसका मास जो है 1 जो है डिसाइड किया उस टाइम, ठीक है, विदाउट किसी यूनिट, कोई यूनिट नहीं लगाई, डिसाइड कर लिया 1 होगा। अब जो बाकी के एटम्स थे उन सब का जो मास निकला वो इसको जो है रिलेट करके निकला, इससे कंपेयर करके निकला, इसको हमने इसे मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। उसके बाद इसको जो है हमने मानक मानना, मानक यानी स्टैंडर्ड मानना बंद कर दिया और फिर हमने नेक्स्ट क्या लिया, इसको आइसोलेट कर दिया, मतलब इसको तो हमने हटा दिया, सीन से ही हटा दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने याद किया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था उस टाइम वो था, या अभी भी है वैसे, 16, ठीक है। और हमने एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है 16, इसको हमने स्टैंडर्ड माना और फिर हमने बाकी एटम्स को जो है इससे रिलेट करके एटॉमिक मास निकालना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन को इसलिए लिया था क्योंकि हम ऑक्सीजन में, मतलब हमारे जो काम आती है, मोस्ट यूजफुल गैस जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन को तो हटा दिया और ले लिया ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड वैल्यू। फिर क्या हुआ, 1961 में हमने स्टैंडर्ड माना, हमने स्टैंडर्ड जो हमारा था हमने उसको माना स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, कार्बन 12, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसको स्टैंडर्ड माना। इसको स्टैंडर्ड मानने के बाद में हमने जितने भी हमारे एटॉमिक एटम थे बेसिकली, उन सब का एटॉमिक मास हमने इसको रिलेट करके बनाया। अब जैसे कि आप बताइए, जैसे कि 12C जो है वो कार्बन का आइसोटोप है, 12C यानी कार्बन 12, ये कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन के और भी आइसोटोप्स हैं। अब मैं बताऊं आपको कि अगर आपको थोड़ा डाउट है कि आइसोटोप क्या होता है, तो देखिए आइसोटोप होता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए फिर भी मैं बता देती हूं, आइसोटोप का मतलब होता है जिसमें कि एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर तो सेम हो, और एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है। तो कार्बन के और भी जो है आइसोटोप थे, जैसे कि C13, जैसे कि C14, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनके जो एटॉमिक मास था वो डिफरेंट था, बट एटॉमिक नंबर सेम था। बात आई समझ में? देखो एटॉमिक मास जो है डिफरेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है तो सेम था। तो इसे हमने बोला कि कार्बन के और भी आइसोटोप थे, लेकिन हमने किसको स्टैंडर्ड माना, कार्बन 12, और इसी को स्टैंडर्ड मान के हमने बाकी सबके एटॉमिक मास निकालने शुरू कर दिए।
तो अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो देखिए बात करते हैं, एक बार इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं। ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये सारी इसकी हिस्ट्री है। अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, वन एटॉमिक मास यूनिट, हम वन एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू द वन ट्वेल्थ, द वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम। मतलब कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटॉमिक मास यूनिट, वो एग्जैक्टली इक्वल है वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन ट्वेल्व एटम के। अगर मैं बात करूं वन एमयू की क्या वैल्यू है ग्राम्स में, तो वन एमयू इज इक्वल टू 1.66056 मल्टीप्लाई बाय 10^-24 ग्राम। ये हमारा वन एमयू का वैल्यू है। अब अगर सपोज करिए मैं निकालना चाहूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैं निकालना चाहूं किसमें, एएमयू में, किसमें निकालना चाहूं मैं, एएमयू में। ग्राम में तो हमें पता है, लेकिन अगर हम निकालना चाहें एएमयू में तो कैसे निकलेगा। आपको बताया कि अगर हम हाइड्रोजन के किसी एटम का मास एएमयू में निकालना चाहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमें मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास किसमें, ग्राम में, वो पता है, कितना है 1.6736 मल्टीप्लाई बाय 10^-24 ग्राम। अब हमें क्या करना है, यूनिट एएमयू लेके आना है, मतलब कि एएमयू में वैल्यू लेके आनी है हाइड्रोजन के एक एटॉमिक मास की। तो वो कैसे होगा, हमें पता है कि 1 एएमयू की वैल्यू कितनी है 1.66056 मल्टीप्लाई बाय 10^-24। तो देखिए एएमयू में कैसे निकलेगा हाइड्रोजन का मास, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 1.6736 मल्टीप्लाई बाय 10^24 ग्राम को अपॉन 1.66056 10^-20 ग्राम। बात समझ में आई, जैसे हमने डिवाइड किया वैल्यू आएगी 1.00787 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अब ऑब्वियसली बात है 8 है यहां पर, 5 से बड़ा राउंड ऑफ कर दे तो यहां पर आ जाएगा 1.0080। ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या होगा एएमयू। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होगा एएमयू में अगर हम काउंट करेंगे तो 1.0080 निकल के आता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है एटॉमिक मास में हम सारे जो एलिमेंट के एटम्स हैं उनका मास हम निकाल सकते हैं एएमयू में अगर हम निकालना चाहें, हाइड्रोजन में मैंने आपको बता दिया है। फर्दर अगर मैं बात करूं तो जो यूनिट है एएमयू उसको रिप्लेस कर दिया गया, और किससे रिप्लेस किया, रिप्लेस किया हमने यू से, एएमयू को हमने रिप्लेस किया किससे किया, यू को, और यू को, यू की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो अब हम क्या लिखते हैं एएमयू की जगह, बस यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यू, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ये टॉपिक इधर खत्म है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अगर आप किसी भी एलिमेंट का, एटम का एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हो तो बेसिकली आप उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। कैसे निकालते हो, ये मैंने कैसे कह दिया इस बात को कि जब भी आप कोई मास निकाल रहे हो किसी भी आइटम का तो आप जनरली उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं, तो ये कैसे हो गया, इसको हम पढ़ेंगे अब एवरेज एटॉमिक मास में। पहले इसको रब करते हैं, तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास अब हम पढ़ेंगे। जनरली कैलकुलेशंस जब आप करते हो ना, जब आप कह रहे होते हो कि हम कैलकुलेशन में एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, है ना, तो वो आप एटॉमिक मास नहीं निकाल रहे होते, आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे होते। देखिए क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं,
जिनके आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कार्बन की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की भी आइसोटॉप है, क्लोरीन का भी आइसोटॉप है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है कार्बन, कार्बन के आइसोटॉप की बात करें तो इसके भी तीन आइसोटॉप है, C12, C13, C14, ठीक है। आइसोटॉप मैं आपको बता चुकी हूं, जिसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटॉप। तो ऐसे जब सिचुएशन आ जाए, जब किसी एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप हो, तब हम कैसे निकालें उसका एटॉमिक मास? तो हम जब उसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो जनरली हम उसका निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का निकाल रहे होते हैं जब उसके बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं। तो कैसे निकलेगा? एग्जाम्पल लिया है मैंने यहां पर कार्बन का, कार्बन के तीनों जो है आइसोटॉप यहां पर प्रेजेंट है। हमने क्या लिया है, उनकी अबेंडेंस भी ली है, कि मतलब एनवायरमेंट में उसकी क्या कितनी अबेंडेंस है। तो देखिए कार्बन 12 की तो कितनी अबेंडेंस है, कितनी मतलब मात्रा में वो मौजूद है, ठीक है। तो अबेंडेंस उसी को बोलते हैं। तो ये तो है, यहां परसेंटेज में है, देखिए अबेंडेंस ऊपर परसेंटेज में, ठीक है। कार्बन 12 की कितनी है अबेंडेंस, 98.892, सबसे ज्यादा इन तीनों के मुकाबले। कार्बन 13 की 1.108, कार्बन 14 तो बहुत ही कम है, 2 × 10⁻¹⁰, बहुत ही कम, माइनस में जा रही है इसकी। तो ये इसका अबेंडेंस है। अब इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास किसमें, AMU में, यहां पर आप U भी लगा सकते, बट मैंने साइड में जो है एटॉमिक AMU लिख दिया है, तो इसको नहीं भी लगाने की जरूरत, ठीक है ना। ऊपर मैंने बता दिया है कि भाई जो हम इसका यूनिट ले रहे हैं वो AMU में ले रहे हैं। कितना है कार्बन 12 का एटॉमिक मास, 12U, कार्बन 13 का 13.00335U और कार्बन 14 का 14.00317U। ये इसका हमने एक साइड में इसके अलग अलग एटॉमिक मास ले लिए, अलग अलग आइसोटॉप के। अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? तो देखिए इसका जनरल सा फॉर्मूला मान लीजिए, तरीका मान लीजिए, कैसे निकालेंगे हम? हमें सिर्फ इतना करना है कि देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कार्बन 12 लेते हैं अपन, कार्बन 12 का एटॉमिक मास ले लिया, कितना, 12U, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके एबंडेंस के परसेंटेज पे। कितना एबंडेंस है, 98.892, ठीक है। फिर प्लस हम इसका कार्बन 13 का लेंगे एटॉमिक मास, कितना है, 13.0035, मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख देती हूं इधर, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ब्रैकेट ले लेती हूँ ऐसे, ठीक है ना, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेती हूँ, इसको ऐसे ले लीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके अबेंडेंस से, परसेंटेज कितना है, 1.108, यहां पर ये U है, यहां पर U लगा देते हैं। प्लस हमने लास्ट में लिया कार्बन 14, कितना है AMU, 14.00317, मल्टीप्लाई बाय इसका कितना अबेंडेंस है, 2 × 10⁻¹⁰, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कैसे निकाल रहे हैं हम? जैसे कार्बन 12 आइसोटॉप है, इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसका अबेंडेंस, प्लस इसका एटॉमिक मास इसका अबेंडेंस का मल्टीप्लाई, प्लस इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसका अबेंडेंस, इन सबको आपस में जोड़ेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या इन सबका क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रहा है इन सबका, इन सबका वैल्यू आएगा, अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगा 12.011U, जिसको हम क्लियरली कह सकते हैं 12, लिख सकते हैं 12। तो इस तरीके से जो ये 12.011 आया है, इसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि हमने सबका जो है, सभी आइसोटॉप को कंप्यूटेड किया है, कैलकुलेट करके ही इसका जो है ये निकाला है एटॉमिक मास, ठीक है। तो आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास समझ में आया होगा। बाकी जिस भी एलिमेंट के, जिस भी जो एटम्स हैं उनके आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट के आइसोटॉप्स के, तो आप क्या करोगे, उनका जो है इसी तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। हम क्लोरीन का भी तो ऐसे निकालते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आगे मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, जो मॉलिक्यूल होता है वो कंबाइन होके बनता है। एटम जब कंबाइन होते हैं, जब एटम का कंबिनेशन होता है तब बनता है मॉलिक्यूल, है ना। तो एटम जो मॉलिक्यूल होता है वो सेम एटम का भी हो सकता है और वो डिफरेंट एटम का भी हो सकता है। सेम एटम की बात करूं तो O2, डिफरेंट एटम की बात करूं तो CO2, ठीक है, या फिर मैं बात कर सकती हूं H2O। बात आई समझ में? तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं, है ना। तो अब जब हमें इन सब का क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? देखिए मॉलिक्यूलर मास की पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि प्रॉपर क्या डेफिनेशन है। अगर मॉलिक्यूलर मास की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब जो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, सपोज करिए कोई एक मॉलिक्यूल है, एग्जांपल लिया मैंने, कोई मॉलिक्यूल है सपोज करिए H2O, तो इस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसका सम क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहां पर दूसरे में बात करती हूं कि कैसे हम जो है मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए CH4, मीथेन का मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, ठीक है। हम निकालते हैं CH4 जो कि ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, पहले आप निकालोगे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, पता है क्या कितना है, 12.011 U, एटॉमिक मास यूनिट में है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 4 हाइड्रोजन, कार्बन तो एक ही था, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 4, तो 4 मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1. इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो, 1.0080, एक हाइड्रोजन का 1.0080 U एटॉमिक मास होता है, तो 4 का कितना होगा, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आएगा इन सभी का जब हम करेंगे काम, तो 16.043 U ये निकल के आया, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या निकल के आया, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, क्या निकल के आया, मॉलिक्यूलर मास। आई बात समझ में, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। दूसरा एग्जांपल लेती हूं मैं यहां पर वाटर का, किसका, वाटर का H2O, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन यहां पर है कितने, 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008 भी लिख सकते हो आप इसको, 808। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इज इक्वल टू, क्या आएगा इनका आंसर, 18.02, ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, किसका, वाटर का। तो ऐसे करके जो है मॉलिक्यूलर मास निकलता है, किसका निकलता है, मॉलिक्यूल्स का। बात आई समझ में, 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां ले लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला मास की, ठीक है, फॉर्मूला मास। देखिए जो फॉर्मूला मास होता है, हम किन चीजों का निकालते हैं, बेसिकली फॉर्मूला मास हम उन सब्सटेंस का निकालते हैं जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में जो है, जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल की तरह नहीं होते हैं, मतलब लाइक वो डिस्क्रीट नहीं हो पाते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह नहीं रह पाते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में ही होते हैं, लाइक NaCl, NaCl, ठीक है। जो NaCl है बेसिकली, ये NaCl जो है ये कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है, लाइक जो एक Na है उसको 6 Cl ने कंबाइंड किया होता है, और बेसिकली ऐसा ही वाइस वर्सा, ये 3D स्ट्रक्चर जो है, 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये बने हुए होते हैं NaCl। इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि NaCl जो है मॉलिक्यूल की तरह फ्री मिल जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने आपको बोला
कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इस टाइप के सब्सटेंस जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ये किसी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये कंबाइंड ही रहते हैं, क्लोज पैक रहते हैं। तो इसलिए हम इनका निकालते हैं फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास एटोमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटोमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का एटोमिक मास कितना होता है 23.0 U और क्लोरीन का कितना होता है एटोमिक मास 35.5 U। इनको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 U। ये इसका हो गया फॉर्मूला मास। बात आई समझ में आपको? ये इसका हो गया फॉर्मूला मास। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, एटॉमिक मास पढ़ लिया है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया एंड फॉर्मूला मास पढ़ लिया। अब चलेगी नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे इस जो हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसकी कहते हैं ना हर्ट। अब हम आगे इसके हर्ट को पढ़ेंगे। हर्ट मीन्स टू से कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।